हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि टॉपिक में लिखा गया है। तो आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम इतने हेडिंगों की चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स की। सबसे पहला टॉपिक क्या चर्चा करेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत। किसका चर्चा करेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर उसके बाद किसका चर्चा करेंगे? सतत आवेश वितरण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बारे में उसको जानने के बाद हम लोग जान लेंगे कि सतत आवेश वितरण के कितने प्रकार होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पूछना चाहते हैं, क्या हमारी आवाज़ें आपको क्लियर सुनाई पड़ रही होंगी? अगर क्लियर सुनाई पड़ रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। आइए आज की टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। सबसे पहले चीज़ को हम जानते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल। जैसा कि आप लोग अगर हेडिंग को देखे होंगे, हेडिंग का नाम पढ़े होंगे, तो नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत और बहुल आवेशों के बीच का बल का मतलब क्या होना चाहिए। बहुल का मतलब होता है बहुत, बहुल का मतलब होता है बहुत। आवेशों के बीच यानी बहुत आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, वही आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम समझते हैं बहुल आवेशों के बीच बल क्या होता है। तो क्या करते हैं, मानते हैं, माना ऐसा कोई निकाय ले लेते हैं जो कि कई आवेशों से मिलकर बना है। माना ऐसा कोई निकाय है जो कि कई आवेशों से क्या हुआ, मिलकर बना है। तो निकाय ऐसे मान लेते हैं, देखिएगा आप लोग कैसे मानेंगे। एक सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं और एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। इसे एक्स अक्ष का नाम दे देते हैं और इसे वाई अक्ष का नाम दे देते हैं, और ये जो है इसका नाम दे देते हैं मूल बिंदु ओ। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, एक आवेश मान लेते हैं, एक आवेश यहाँ पर है Q1 आवेश है, और एक कोई दूसरा आवेश मान लेते हैं, दूसरा आवेश क्या है Q2 आवेश है। ठीक, और ये कोई तीसरा आवेश मान लेते हैं, एक परीक्षण आवेश यहाँ मान लेते हैं Q0, और ऐसे डॉट डॉट करके ये चौथा आवेश क्या मान लेते हैं Q4 मान लेते हैं, और डॉट डॉट करके पाँचों लास्ट आवेश को क्या मान लेते हैं Qn मान लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कौन सा आवेश हो गया Qn। मानते हैं मूल बिंदु O से इसकी दूरी कितनी है, मूल बिंदु O से इसकी दूरी है R1, कितनी है R1। मूल बिंदु से दूसरे आवेश की दूरी कितनी है R2 है, ऐसे मिलाते हैं। मूल बिंदु O से दूसरे की दूरी कितनी है R2 है। मूल बिंदु O से तीसरे इसकी दूरी तो जैसे वहाँ 2 था तो R2 हो गए, 1 थे तो R1 हो गए, यहाँ R0 हो गए, और ऐसे ही चौथे की दूरी कितनी हो जाएगी, सॉरी ये आपका तीसरा होना चाहिए था। ठीक, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी R3। ऐसे डॉट डॉट करके जब N वाले के पास पहुँचोगे तो N की भी दूरी क्या हो जाएगी, Rn हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आप ज़रा सा समझिएगा कि हमने एक ऐसा निकाय लिया है, ऐसा निकाय लिया है जो कि कई आवेश यानी 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, कई आवेश यानी N आवेशों से मिलकर बना है। हमने क्या बताया, हम माना ऐसा कोई निकाय है जो कि N आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी जो स्थित सदिश है, जो इनकी जिनकी स्थिति सदिश है क्रमशः वो R1, R2, R0, R3 और Rn दूरी पर स्थित है। कहाँ से, मूल बिंदु O से। मूल बिंदु O से इनकी जो दूरी है वो R1, R2, R0, R3 और Rn स्थित है। तो इसी इन्हीं आवेशों के बीच एक परीक्षण आवेश जो Q0 रखे हैं, इन्हीं आवेशों के बीच
इन आवेशों के बीच, इन आवेशों के बीच, इन आवेशों के बीच एक परीक्षण आवेश जो Q0 रखा गया है, इस पे लगने वाला जो बल होगा वो किसके बराबर होगा, वही अध्यारोपण का सिद्धांत होगा। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो Q2 होगा वो इस पे बल लगाएगा, जो Q2 आवेश होगा वो इस पे क्या करेगा, बल लगाएगा। तो Q2 वाला आवेश जब इस पे बल लगाएगा तो इस पे लगने वाले बल की दिशा इधर की तरफ होगी। ये प्रयास करेगा कि ये एक दूसरे को क्या करे, धक्का दें, ये इसको ठेलने का प्रयास करेगा। तो इसके द्वारा लगने वाले बल का नाम दे देते हैं F2। क्या नाम दे देते हैं? F2। ध्यान से समझिएगा, F2। उसके बाद Q1 के कारण, तो Q1 के कारण जो लगने वाले बल की दिशा है वो Q1 के कारण लगने वाले जो बल की दिशा होगी, वो Q1 के कारण लगने वाले बल की दिशा का नाम दे देते हैं F1। ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, Q1 जो इस पे बल लगाएगा उसके द्वारा लगने वाला बल F1, Q2 के कारण लगने वाला बल F2, इसी प्रकार Q3 के द्वारा लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसी प्रकार N के द्वारा लगने वाला जो बल होगा वो N के कारण जो लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा, एफ एन हो जाएगा। यानी N के कारण लगने वाला बल N, एफ एन हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यानी इस Q0 पर लगने वाला जो बल है इन बलों के योग के बराबर होगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या हुआ, अध्यारोपण का सिद्धांत ये हुआ कि बहुत सारे आवेशों के बीच, बहुल आवेशों के बीच स्थित किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कहीं दिक्कतें आती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ये टॉपिक आपकी नहीं समझ में आई है, तो हम आपको ज़रूर समझाएंगे। आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बहुत सारे आवेशों के बीच, यन आवेशों के बीच स्थित परीक्षण आवेश पे जो लगने वाला बल है वो सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो आइए इसको लिखते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल, बहुल का मतलब बहुत, आवेशों के बीच स्थित किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। ये रहा अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम लोग आगे समझते हैं। माना कोई निकाय है जो कि N आवेशों से मिलकर बना है। आइए, ठीक, माना कोई निकाय है जो यन आवेशों से मिलकर बना है, जो ऐसे लिखते हैं, जो Q1, Q2, डॉट डॉट Qn आवेशों से मिलकर बना है, Qn आवेशों से मिलकर बना है, जो Q1 आवेशों से मिलकर बना है। यही तो हमने लिखा, कोई निकाय है जो कि Q1 आवेशों से मिलकर बना है, Q1, Q2, डॉट डॉट Q1 आवेश मिलकर, जिनकी स्थिति सदिश,
जिनकी मूल बिंदु से, जिनकी मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3 प्लस डॉट डॉट Rn है। आप देख सकते हैं स्थिति सदिश R1 कैप लगा देते हैं सबके ऊपर, R1, R2, R3 डॉट डॉट क्या है Rn है। ठीक, अब जिनके बीच एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, तो जिनके बीच देख लीजिएगा, जिनके बीच एक परीक्षण आवेश Q0 है रखा है, जिस पर लगने वाला बल F अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, इनके द्वारा लगाए गए बलों के योग के बराबर होगा। तो इनके द्वारा देखिए, पहले के द्वारा लगने वाला बल कौन है, F1 है, चलिए फिर दूसरे के द्वारा लगाया गया बल कौन है, F2 है, फिर तीसरे के द्वारा F3 है, फिर ऐसे डॉट डॉट हम लोग कहां पहुंच गए, Fn यानी n आवेशों के द्वारा लगने वाला बल। अब क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि हाँ F1, F2 और F3 का मान निकालेंगे और यहां पर रखेंगे, तो ये समीकरण नंबर क्या बना लिए, एक बना लिए। आइए अब आप देखिए, F1 जो है वो किसके बीच लगने वाला बल है, Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला जो बल है वो F1 है। तो कुलाम के नियम से हम लोग F1 को ज्ञात करेंगे, F2 को ज्ञात करेंगे, F3 को ज्ञात करेंगे, ऐसे Fn को भी ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 / r2। तो F1 क्या हो जाएगा, चलिए F1 क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा, F1 कौन है, Q1 और F1 जो बल लग रहा है वो Q1 और Q0 के बीच लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 into Q0, ये Q2 नहीं बल्कि क्या है Q0 है, अपान आर स्क्वायर, आर के स्थान पे क्या हो गया R1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बीच की जो दूरी है वो कितनी है R1 है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, F1 का मान आपने निकाल लिया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आप ध्यान से समझिएगा, अब उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हम लोग निकालेंगे F2 का मान, किसका निकालेंगे F2 का मान। हाँ आप जरूर एक चीज यहाँ जरूर लगा सकते हैं, एकांक सदिश का उपयोग जरूर कर सकते हैं, तो यहाँ आप लगा देंगे R1 का क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। ठीक, जो कि केवल दिशा बताती है, क्या बताती है, दिशा। अब ध्यान दीजिए, दिशा किधर से किधर की तरफ बता रही है, पहले से जीरो की तरफ, तो यहाँ R1 0 लगा देंगे, R1 0 का मतलब पहले से परीक्षण आवेश की तरफ लगने वाला बल है। फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, F2 का मान क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 नहीं बल्कि इस बार कौन हो जाएगा Q2 हो जाएगा, और Q2 और ये Q0 अपान बीच की दूरी इस बार क्या है R1 नहीं बल्कि क्या है R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एकांक सदिश का उपयोग करेंगे तो R2 0 हो जाएगा, कैप लगा दिए, यानी दूसरे से O की तरफ। ऐसे ही डॉट डॉट हम लोग किसका निकालेंगे, Fn का मान निकालेंगे, तो Fn का मान क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 और यहाँ Q0/Rn का स्क्वायर, और सदिश लगा दिए एकांक सदिश Rn0 का कैप, ये हो गए। तो F1, F2 और Fn का मान समीकरण एक में हम लोग रख देंगे, क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे, आइए रखते हैं, देखिए क्या करेंगे, F1, F2, Fn का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक में रखते हैं, तो समीकरण एक है क्या, F है, चलिए वेक्टर F बराबर है,
F1, F2 और F3 में देख रहे होंगे, सब में 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है। तो आप 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं। तो 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो पहले वाले में बचेगा Q1 into Q0 बटे R1 का स्क्वायर, ठीक, और साथ में क्या लगा दी R10 का कैप। अगले में यही क्या बच जाएगा, Q2 into Q0 upon R2 का स्क्वायर और साथ में R20 का कैप, प्लस डॉट डॉट हम लोग कहाँ तक आ जाएंगे, n वाले पे। कहाँ तक आएंगे भैया, n वाले तक आएंगे। तो n वाला कितना लग रहा है, देखिए n वाला है प्लस डॉट डॉट n वाला क्या है, Qn into Q0 upon Rn का स्क्वायर और कैप लगा दी Rn0 का कैप। तो इस प्रकार ये आ गए। आपका जो अध्यारोपण का सिद्धांत का जो फार्मूला था वो लास्ट में क्या मिला, लास्ट में आपको मिला है वेक्टर F=1/4 pi εo। ध्यान से समझिएगा, फिर इसको अगर हम लोग समेशन के रूप में लिखना चाहते हैं तो जरूर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि Q0 भी दोनों सब में कॉमन था, तो Q0 अगर कॉमन कर लिया जाए तब आपके सामने क्या बचेगा, तब आपके सामने Q1/R1 का स्क्वायर और साथ में R10 का कैप प्लस डॉट 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 लास्ट वाला लिखते हैं Q1/Rn का स्क्वायर और साथ में Rn0 का कैप। तो इस प्रकार ये जो आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी बहुल आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो इस प्रकार है। तो आप इसको समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, इस प्रकार जो आज की पहली टॉपिक थी वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको पूरे इस टॉपिक के दौरान कहीं भी कोई भी डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग उसको जरूर समाधान करेंगे। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक का चर्चा करते हैं। बोले तो डियर स्टूडेंट, अब दूसरी टॉपिक क्या है, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है, सतत आवेश वितरण ध्यान से समझिएगा। सतत आवेश वितरण क्या होता है, जब जो कोई आवेश होता है वो किसी भी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हो, किसी भी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, वो क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। यानी हम कहना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आवेश होता है, जैसे आपने ये कोई पृष्ठ ले लिया, ये कोई पृष्ठ ले लिए, ठीक, जरूरी नहीं है ऐसा ही पृष्ठ हो, पृष्ठ आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पृष्ठ आपका ऐसा भी हो सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का पृष्ठ होता है। अब देखिएगा, जब ये कोई आवेश एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, ऐसे किसी भी पृष्ठ पर एक समान रूप से रखे रहे होते हैं, बराबर रखे गए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सतत आवेश वितरण कहलाते हैं, ऐसे इस प्रकार। तो आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैले होते हैं तो वह आवेशों का वो फैलाव, आवेशों का वो विस्तार सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं, जो कि आपकी तीसरी टॉपिक है, सतत आवेश वितरण के प्रकार। तो सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं, तो आइए उन तीनों को समझते हैं। तो आप सतत आवेश वितरण समझ में आ गया होगा कि जब कोई जो आवेश होते हैं वो किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैले हुए होते हैं, तो आवेशों का वितरण वो क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। तो आप इसको मूव करके सतत आवेश वितरण लिख लेते हैं। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से रखे होते हैं या एक समान रूप से फैले होते हैं, एक समान रूप से फैले होते हैं
सतत आवेशों का यह वितरण, आवेशों का वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है, ठीक, सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब आते हैं तीसरी टॉपिक, सतत आवेश वितरण के प्रकार। तो सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि हमने बताया, तीन प्रकार के होते हैं। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो लिख लेते हैं, सतत आवेश वितरण के प्रकार, सतत आवेश वितरण के प्रकार। तो ध्यान से समझिएगा, हमने इनको तीन प्रकार से बताया। ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रैखिक आवेश वितरण। पहला होता है रैखिक आवेश वितरण। क्या होता है ये, ठीक। दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। क्या होता है? आयतन आवेश वितरण। ध्यान से समझिएगा, आयतन आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो आइए हम लोग तीनों को समझते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसको लिखेंगे भी। सबसे पहला समझते हैं रैखिक आवेश वितरण क्या होता है। तो उसको अब बना लेते हैं, रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण के बारे में अब हम लोग जानेंगे। रैखिक आवेश वितरण, ध्यान से समझिएगा। अब रैखिक आवेश वितरण क्या होता है, अब ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट। जब कोई आवेश जो होता है वो किसी एक रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है, जब कोई आवेश किसी एक रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है, तो आवेशों का यह वितरण, आवेशों का यह फैलाव रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। रैखिक का मतलब होता है रेखा, यानी जब कोई आवेश, ऐसे समझिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए, जब कोई आवेश किसी रेखा पर, जब कोई आवेश किसी तार पर या किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित होते हैं, ऐसे आप देखिए, जब कोई आवेश किसी एक रेखा पर या किसी एक तार पर एक समान रूप से वितरित होते हैं, तो आवेशों का यह विस्तार, आवेशों का यह फैलाव क्या कहलाता है? रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। तो मान लेते हैं, माना तार की जो लंबाई है, वो तार की लंबाई क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं। माना तार की लंबाई क्या है? L है। और पृष्ठ पर फैले हुए आवेश की मात्रा क्या मान लेते हैं? Q मान लेते हैं। माना पृष्ठ पर फैले हुए आवेश की मात्रा क्या हो जाता है? Q हो जाता है। तो इस पृष्ठ के एक भाग में, पृष्ठ के एक भाग में, एक भाग में फैले हुए आवेश की मात्रा मान लेते हैं dq, यानी इस पृष्ठ, इस आवेश का एक छोटा सा हिस्सा, और ये इस पृष्ठ की जो लंबाई है, इस पृष्ठ की लंबाई जो है l के बजाय क्या मान लेते हैं? यहाँ dl मान लेते हैं, यानी पृष्ठ की लंबाई जो है l नहीं, क्या हो गया? dl हो गया। ध्यान से समझिएगा, अब हम आपको क्या बताने वाले हैं रैखिक आवेश वितरण। एक बार और, जब कोई आवेश किसी रेखा पर वितरण होता है, जब कोई आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है, वो रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। अब हमने जो लिखा वो आप समझिए, अगर मान लिया जाए कि ये पूरे पृष्ठ के एक भाग में जितना आवेश रहेगा, उस आवेश और उस पृष्ठ की लंबाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। उसको भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले रैखिक आवेश वितरण लिखते हैं। जब कोई आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से
एक समान रूप से वितरित होते हैं, एक समान रूप से वितरित होते हैं, क्या होते हैं, वितरित होते हैं, रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक आवेश वितरण कहलाता है, रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। ठीक, रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, माना माना पृष्ठ पे फैले हुए आवेश की मात्रा क्या मान लेते हैं, क्यों है, या मानते हैं पृष्ठ के एक भाग में फैले हुए आवेश की मात्रा। तो अगली हेडिंग समझते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। ध्यान से समझिएगा, रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। सबसे पहली बात, इसको हम लोग लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से। अब ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ के एक भाग में, रेखा के एक भाग में फैले हुए आवेश की मात्रा, रेखा के एक भाग में फैले हुए आवेश की मात्रा और लंबाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं ना, इसे लिखेंगे पृष्ठ के एकांक लंबाई में फैले हुए आवेश की मात्रा तथा लंबाई का अनुपात ही रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक, रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो लैम्डा बराबर एकांक लंबाई में फैले हुए आवेश की मात्रा कितना है? डी क्यू है। और एकांक लंबाई की लंबाई कितनी है? डी एल है। यानी रैखिक आवेश घनत्व बराबर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू बटे डी एल। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। ये ध्यान दीजिएगा, ये गौर कीजिएगा कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर होता है, क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर इसके मात्रक होते हैं। अगर कोई पूछा कि इसकी बीमा क्या होती है, तब क्या बताएंगे, इसकी बीमा क्या होती है, तो बीमा हो जाएगा आपका, देखिएगा ध्यान से, कूलाम, कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है, तो आवेश की बीमा होती है ए टी, क्या होती है, ए टी, और लंबाई की बीमा होती है एल, तो ए टी बटे क्या हो जाएगा, एल, एल ऊपर चला जाएगा, तो एल ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल इनवर्स, तो एल इनवर्स ए टी या टी ए इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। तो डियर स्टूडेंट, आप इसकी बीमा भी देख सकते हैं, बीमा क्या है, एल इनवर्स ए टी या एल एल इनवर्स टी ए। तो इस प्रकार आपका रैखिक आवेश घनत्व तो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरी टॉपिक क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, तो उसको भी देखते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। ध्यान दीजिएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, जब कोई आवेश किसी
ऐसे वाले पृष्ठ पर फैले हों। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो आवेशों का यह वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होते हैं तो आवेशों का यह फैलाव पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक, ये हो गए, ध्यान समझिएगा। यदि हम मान ले कि इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया कि इसके पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, इस छोटे से क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश की मात्रा dq मान ले और प्लेट का क्षेत्रफल मान ले dA, तो वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो अब अगली टॉपिक आ जाएगी इसकी, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता वो ध्यान दीजिएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पूरे पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश की मात्रा और क्षेत्रफल का अनुपात ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश की मात्रा dq तथा क्षेत्रफल का अनुपात ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? सिग्मा से। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? फैले हुए आवेश की मात्रा dq और क्षेत्रफल क्या है? dA। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? dq बराबर dA। इसका जो मात्रक हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक कूलाम्ब क्या होता है? कूलाम्ब। और प्रति dA क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो कूलाम्ब प्रति क्या हो गए? मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? तो बीमा हो जाएगी, कूलाम्ब की बीमा क्या होती है? 80। और मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, तो इसकी बीमा हो जाएगी L^-2AT। तो ये आ गई इसकी बीमा। तो बातें ये जरूर समझ में आई होगी। अब हम लोग अगली टॉपिक की चर्चा करते हैं, आयतन आवेश वितरण, अगले प्रकार को जानते हैं। तो आइए, यही लास्ट प्रकार है इसका, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा डियर स्टूडेंट। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कतें आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर स्टूडेंट, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे। और चाहे जिस प्रकाशन का आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए तीसरे प्रकार को जानते हैं। तीसरा क्या आता है?
आयतन आवेश वितरण। ध्यान दीजिएगा, आयतन आवेश वितरण क्या होता है। अब आयतन आवेश वितरण के लिए क्या होता है कि जब कोई पृष्ठ किसी जब कोई आवेश किसी आयतन पर फैले हो, किसी घनाभ पर फैला हो, तो वो आवेश का वितरण क्या कहलाता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ऐसे समझिएगा, ठीक, ऐसे समझिए। अब क्या होगा, इस प्रकार के पृष्ठ पर, इस प्रकार के पृष्ठ पर फैले हुए जो आवेश होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयतन आवेश वितरण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई आवेश किसी आयतन वाले पृष्ठ पर फैले होते हैं, जब कोई आवेश किसी आयतन पर फैला होता है, तो ऐसे आवेश का वितरण क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। तो क्या हमने बताया, एक बार फिर से आपको, आपकी क्लास में जो है जो दिक्कतें आ जाती हैं उसके लिए खेद है, क्योंकि गर्मी बहुत है डियर स्टूडेंट, तब भी आप लोगों के लिए क्लासें कभी रोकी नहीं जाती, क्योंकि प्यारे बच्चों आपकी क्लास लगातार दी जा रही है, तो आप केवल इसको अटेंड कीजिए। और हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोला है कि फिजिक्स में 95 नंबर टारगेट करके चलना है। तो प्यारे बच्चों आइए ध्यान से समझते हैं कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है। हमने बताया जब कोई आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो आवेशों का वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। तो लिखते हैं, जब कोई आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित हों तो आयतन आवेश वितरण कहलाता है। तो आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं जैसे यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व हुआ, ऐसे वहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। ध्यान समझिएगा, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम लोग रो से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, रो से। अब ध्यान दीजिए क्या होगा कि पूरे आयतन के एकांक आयतन में फैले हुए जो आवेश की मात्रा होगा और एकांक आयतन का अनुपात ही क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, इस पूरे आयतन के एकांक आयतन में फैला हुआ आवेश ही आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। तो लिख सकते हैं, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक, आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर फैले हुए आवेश की मात्रा dQ और आयतन एकांक आयतन क्या मान लिया, dV। तो फैल आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया, रो इक्वल टू dQ/dV। तो डियर स्टूडेंट इसी के साथ साथ इसका मात्रक भी लिख लेते हैं। मात्रक हो जाएगा जैसे यहाँ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हुआ है, वैसे dQ का मात्रक कूलाम ही रहेगा। तो dQ का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब।
तो इस प्रकार इसका बीमा मात्रक भी आ जाएगा। और बीमा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा एल के पावर माइनस 380, एल के पावर माइनस 380। तो इस प्रकार जितनी टॉपिकें हमने आज लिखा था, अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण, आवेश वितरण के प्रकार, हमने तीनों टॉपिक आपको पढ़ा दिए। डियर स्टूडेंट, अगर कहीं भी आज के पढ़ाए गए टॉपिक में कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों। चलिए, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों के साथ आज की क्लास को शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डियर स्टूडेंट।